गुड आफ्टरनून एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और अपने घर पर सब स्वस्थ होंगे। तो अभी है दोपहर का टाइम, दोपहर के बज रहे हैं 2। तो सबसे पहले मैं आप सबसे कुछ कहना चाहती हूँ। आज मेरा 1K कंप्लीट हो गया है, तो आप सबके सपोर्ट की वजह से ही मेरा 1K कंप्लीट हो गया है। तो आप सबको दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच एवरीवन। मेरी यूट्यूब फैमिली के सपोर्ट से ही मैंने 1K कंप्लीट कर लिया है। और जैसे कि सावन चल रहा है, तो सावन का आज है, सावन का वैसे तो आज फ्राइडे है, लेकिन आज है शिवरात्रि। हर महीने में आती है 2 शिवरात्रि, तो आज है सावन की 2री शिवरात्रि, तो मेरा है फास्ट। और आज सुबह से मैं अभी भी गीली हो गई हूँ दोपहर में फिर से, क्योंकि आज मौसम ने इतना परेशान कर दिया। और सुबह से मैं आज सोच रही थी अभी थैंक यू की वीडियो बनाऊँगी, अभी बनाऊँगी, लेकिन बनते बनते सुबह से काम ही ऐसा हो गया था। और काम क्या, बस बारिश ने परेशान कर दिया। मैं कपड़े डाल के आई, फिर बारिश आ गई, फिर अंदर डाल के आई, फिर मैं बाहर डाल आई थी, मेरे को चलो सूख जाएंगे। और अभी जब सूखने वाले थे मैं लेने जा रही थी, और उस टाइम इतनी तेज़ बारिश आई कि मैं सारी गीली हो गई, और बाल भी फिर से गीले हो गए। सुबह तो सिर धुना था। तो आज जैसे कि शिवरात्रि है, तो मेरा व्रत है, तो मैं बना रही हूँ आज कुछ स्पेशल। क्या बना रही हूँ? आम की रबड़ी। अभी आम के सीजन, आम का सीज़न बस लास्ट हो गया है। हमारे पास तो आम रखे भी हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जैसे कि बाग है, तो आम काफ़ी दिन तक चलते रहते हैं लास्ट में। तो अभी 2-3 आम रखे हैं, तो मैं सोच रही हूँ चलो आज कुछ स्पेशल बना लिया जाए, कुछ मीठा बना लिया जाए। और वैसे भी थोड़ी मन में खुशी तो है ही कि बन के कम्प्लीट कर लिया है। तो फ्रेंड्स, आज मैं बना रही हूँ आम की रबड़ी। आप वीडियो लास्ट तक देखना, और अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर भी करना। और एक बार फिर से थैंक यू वेरी मच, आप सबके सपोर्ट से मेरा 1K कंप्लीट हो गया है। और इसी तरह सपोर्ट करते रहें, और अपना प्यार इसी तरीके से बनाए रखें, जिससे कि मैं आगे बढ़ती रहूँ। और आप कुछ कहना चाहोगे? हम रिपोर्टर हैं। ये दोनों रिपोर्टर बैठे हैं मेरे पास। मैम कुछ कहना चाहोगी? मम्मी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मम्मी के 1K कंप्लीट हो गए। जिज्ञा कितन तो इतना जानती नहीं, लेकिन जिज्ञा को बहुत अच्छा फील हो रहा है। मैं अम्मा का फोन जानता हूँ। कितन तो अम्मा का फोन जानते हैं, ये अम्मा के लाडले बच्चे हैं, अम्मा के लाडले बच्चे। और अम्मा की मच्छरदानी भी चाहिए चाहता हूँ। दिव्या को भी बहुत अच्छा लग रहा है मेरा 1K कंप्लीट होने पर। तो थैंक यू वेरी मच। तो फ्रेंड्स, अभी चलते हैं हम किचन में और बना लेते हैं आम की रबड़ी। ओके गाइस, तो अभी मैं आ गई हूँ किचन में, और मैं बना लेती हूँ आम की रबड़ी। तो उसके लिए मैंने लिया है 1 लीटर फुल क्रीम वाला दूध, 1 लोटा भरा हुआ है, और उसके साथ ही मैंने लिया है 1 आम। आम ज़्यादा बड़ा भी नहीं था और ज़्यादा छोटा भी नहीं था, ये पूरी कटोरी भरी नहीं है। और उसके साथ ही ली है मैंने चीनी भी। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, जैसे आप मीठा खाना पसंद करते हो, इतना ले सकते हो। और इसमें ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं, तो ड्राई फ्रूट्स ऑप्शनल है। तो अभी हम बनाते हैं रबड़ी। तो रबड़ी बनाने के लिए अभी मैंने रख दी है गैस पर कढ़ाई, और इसमें मैंने डाल दिया है 1/2 चम्मच घी। और घी को मैं पिघला लेती हूँ, और घी के पिघलने के साथ ही मैं इसमें डाल दूंगी आम, जो हमने पहले से ही काट कर रख लिया था। और इसको गर्म होने देते हैं। जब ये आम अच्छे से गर्म हो जाएगा, तो ये खुद से ही पिघल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो आम पिघल गया है गर्म होने के बाद। तो जब आम अच्छे से पिघल जाएगा, तो इसमें मैं डाल देती हूँ दूध। दूध मैं इसमें पहले थोड़ा सा डालती हूँ, और उसके साथ ही धीरे धीरे करके और दूध डाल दूंगी। इसमें मैंने थोड़ा सा दूध इसलिए डाला है, क्योंकि जैसे कि चारों तरफ आम लग गया था, तो उसको दूध की हेल्प से इसे हटा लेंगे। और इसमें फिर जो दूध बच गया था, वो भी मैं धीरे धीरे करके इसमें सारा डाल दूंगी। और इसमें हम बॉइल्ड आने देते हैं। अभी मैंने इसमें दूध डाल दिया है, और अभी इसमें बॉइल्ड आने का वेट करते हैं। जैसे कि दूध में बॉइल्ड आ जाएगा, तो फिर इसको हम गैस को मीडियम फ्लेम पर कर छोड़ देंगे। तो अभी मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद, जब आता है इसमें बॉइल्ड दूध में। तो गाइस, अभी इस दूध में आ गया है बॉइल्ड, और यहाँ पर आप देख सकते हो इसमें दूध में बॉइल्ड आ गया है। तो अभी हम कर देते हैं गैस का फ्लेम मीडियम, और इसको 5 से 7 मिनट पकने देते हैं, क्योंकि रबड़ी का तो यही होता है ना कि उसको वो अच्छे से पक जाए। इस रबड़ी को पकते हुए हो गए हैं 5 से 7 मिनट।
लोग नहीं कर पक रहे थे और ये देखो कितनी गाढ़ी हो गई है। तो इसी स्टेज पर मैं डाल देती हूँ अभी इसमें चीनी। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हो, जितना भी मीठा आप खाना पसंद करते हो। तो मैंने इसमें डाल दी है चीनी और चीनी घुल जाती है। उसके साथ ही मैं इसमें डाल देती हूँ कुछ ड्राई फ्रूट्स और इसको फिर से पका लेती हूँ। इसको 1 से 2 मिनट फिर से पकाना है हमें। ड्राई फ्रूट्स में आप कुछ भी डाल सकते हो और इसको ड्राई फ्रूट को स्किप भी कर सकते हो, इग्नोर भी कर सकते हो, इसमें जरूरी भी नहीं है कि डालना। मैंने सोचा चलो डाल देते हैं। गाइस ये देखो चीनी अच्छे से मेल्ट हो गई है और ड्राई फ्रूट भी अच्छे से पक गए हैं। देखो अभी कितनी गाढ़ी हो गई है। तो अभी मुझे करना है गैस ऑफ और रबड़ी बन गई है हमारी अच्छे से। तो उससे पहले मैं इसमें डाल देती हूँ गैस को इसमें डाल देती हूँ 2 चम्मच मखानों का पाउडर। ये मेरे पास रखा था, आपके पास हो तो डाल सकते हो। ड्राई फ्रूट्स तो ऑप्शनल है ही, कुछ भी ड्राई फ्रूट्स आप। तो मेरे पास रखा था ये मखानों का पाउडर, तो इसमें मैं डाल देती हूँ। ये मखाने भुने हुए का है, सूखे भून लिए थे मखाने और उसका मैंने पाउडर बनाकर रख लिया था। तो इसको मैं डाल देती हूँ और इसको मैं मिला लेती हूँ। ये देखो बन गई है रबड़ी। अभी मैं कर देती हूँ गैस ऑफ। मखानों का पाउडर था वो भी अच्छे से घुल गया है, इसको मैं कर देती हूँ गैस ऑफ। अभी कर दिया गैस ऑफ और इसको मैं ठंडा होने के लिए छोड़ देती हूँ। उसके बाद आपको दिखाती हूँ, थोड़ी देर में ही ठंडी हो जाएगी। देखो कितनी अच्छी हो गई है गाइस, रबड़ी हमारी ठंडी हो गई है। तो ये मैंने डाल ली है अभी सर्विंग बॉइल में और इसको मैं गार्निश के लिए इसके ऊपर डाल देती हूँ ड्राई फ्रूट्स। और कैसी लगी रबड़ी आप कमेंट्स करके ज़रूर बताना और एक बार आप भी ट्राई करना। अभी चल रहा है जैसे कि आम का सीज़न, तो आम के सीज़न में आम की नई नई डिश बना कर देखना। तो इसीलिए मैंने सोचा चलो मैं रबड़ी बनाती हूँ। और ये देखो कितनी अच्छी बनी है हमारी रबड़ी, कितनी गाढ़ी हो गई है। तो टाइम भी इसे ज़्यादा नहीं लगा है, बस 10 से 15 मिनट में बनने में टाइम नहीं लगा है इसको। इसे बॉइल्ड होती रही है और मुझे देखनी भी ज़्यादा नहीं पड़ी। देखो सर्व करके भी दिखाती हूँ, देखो कितनी गाढ़ी हो गई है ना, यम्मी यम्मी। गाइज आपको आम की रबड़ी पसंद आई हो तो आप भी ट्राई करना और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट्स करके बताना कि आपको, आप अगर ट्राई करें तो कि आपको कैसी लगी मेरी ये रेसिपी आम की रबड़ी की। तो गाइज अभी कर देते हैं ब्लॉग का एंड, मिलेंगे अच्छे से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।